आपने ये देखा किस गर्मजोशी के साथ और कितने जोश के साथ जो है वो हमारे साथ चले। ये जोश ही जो है वो दर्शाता है कि नवंबर 12 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं और 8 दिसंबर को जो रिजल्ट निकलेगा उसकी दशा और दिशा जो है इनका जो जोश है वही दिखला देता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसके अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी और भाजपा जो है डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पाएगी। क्या मुद्दे हैं सर आपके, क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव? मुद्दे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये हर फ्रंट के अंदर जो ये सरकार है विफल रही है, चाहे आप महंगाई के देखो चाहे आप बेरोजगारी देखो। मुख्यमंत्री ये बोलते रहे कि भाई हमारी वो सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है। अभी नीचे आपने इंडोर स्टेडियम का देखा, 2 साल हो गए, 3-2.5 साल हो गए उसका शिलान्यास हुआ है और शिलान्यास के बाद काम शुरू भी नहीं हुआ। और आप ये चंबा की पार्किंग देख लो किस कछुए की गति से चली हुई है। आप चंबा का जो पुल है, जी, चंबा का जो पुल है वो आप देख लो जो टूटा था आज तक जो है वो बना नहीं है। तो हर और हमारा एक वादा है कि जैसे ही सरकार आएगी ओपीएस जो है पहली कैबिनेट बैठक में जो है वो हमने शुरू कर देनी है। जो ओपीएस स्कीम है तो हमने 10 गारंटियाँ अनाउंस की हैं, वो